नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ मुकुल प्रकाश और उत्तराखंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी जिक्र होगा स्पेशल में सूबे की तीन बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर केंद्र सरकार के तीन तलाक से जुड़े बिल को लेकर है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार तीन तलाक से जुड़ा बिल लाने की तैयारी कर रही है और इसका मसौदा जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बस उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद इस बार के शीतकालीन सत्र में तीन तलाक से जुड़ा जो ये बिल है ये पारित हो जाए। हालांकि कुछ दिनों बाद अब सदन की पटल पर इस बिल को पेश कर दिया जाएगा, जिसको लेकर तीन तलाक पीड़िता और तीन तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली शायरा बानो ने केंद्र सरकार की इस पहल पर खुशी जाहिर की है और साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वो केंद्र सरकार की इस पहल का साथ दे। लेकिन राजनीतिक दल उनकी इस अपील को किस तरीके से लेते हैं ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बहरहाल दूसरी बड़ी खबर जसपुर से है, जहां राशन डीलर्स की मनमानी जोरों पर चल रही है। राशन की कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है, लेकिन नकेल कसने वाला पिछले कुछ दिनों से कोई नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बीच प्रशासन की छापेमारी के बाद जो ये कालाबाजारी कर रहे थे राशन डीलर्स, इन पर नकेल कसे जाने की उम्मीद जरूर जगी और इसी बीच एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे रामनगर के कॉर्बेट पार्क से जुड़ी। दरअसल न्यू ईयर और क्रिसमस का जो वक्त है वो बेहद करीब है और ऐसे में तमाम पर्यटक और रिजोर्ट्स और होटल अपनी मनमानी करते हैं, जिसके चलते जो वहां पर जंगली जानवर होते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब हुड़दंग करने वाले रिजोर्ट्स और पर्यटकों पर नकेल कसने की तैयारी कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने कर ली है। तीनों ही बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हर खबर के हर पहलू को बारीकी से टटोलने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और अब बात उत्तराखंड स्पेशल की पहली बड़ी खबर की। तीन तलाक को गैर कानूनी ठहराने वाले प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद मोदी सरकार की तारीफ हो रही है। इस बीच तीन तलाक के खिलाफ जंग लड़ने वाली काशीपुर की सायरा बानो ने केंद्र सरकार की पहल की तारीफ की और इसे मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला कदम करार दिया है। सायरा बानो ने सभी राजनीतिक दलों से तीन तलाक से जुड़े बिल को पास कराने के लिए केंद्र सरकार का साथ देने की अपील की है। इसके अलावा सायरा बानो ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न बंद होने की उम्मीद भी जताई है। तो तीन तलाक के खिलाफ जो कानून केंद्र सरकार लाने की तैयारी में है वो मुद्दा लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस बार के शीतकालीन सत्र में ही इस विधेयक को पारित करा लिया जाए। लेकिन राजनीतिक दलों की मंशा इस बिल को लेकर किस तरह की दिखाई देगी हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की इस पहल का तीन तलाक पीड़िता सायरा बानो ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की यह पहल बेहद सराहनीय है और अगर ये विधेयक पारित हो जाता है, यानी कि अगर ये मसौदा कानून का रूप ले लेता है, तो फिर जो तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें एक बड़ी राहत आने वाले समय में मिल सकती है, यानी कि तीन तलाक से उन्हें छुटकारा मिल सकता है। इस तरह का कोई भी तर्क वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है। इससे पहले आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने भी सायरा बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था और उसके बाद से ही केंद्र सरकार हरकत में है। कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया था कि वो मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी। और अब रुख उत्तराखंड स्पेशल की दूसरी बड़ी खबर का। उत्तराखंड में राशन डिपो पर राशन की अवैध तस्करी की खबर लगातार आ रही है। जसपुर में भी पुलिस ने लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राशन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों की माने तो राशन डिपो पर लंबे समय से गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा था। सरकार गरीबों को सस्ते दामों में राशन उपलब्ध कराती है, लेकिन कालाबाजारी करने वाले गिरोह मुनाफा कमाने के चक्कर में महंगे रेट पर राशन बेचते हैं।
वहीं पुलिस ने कहा कि मुनाफाखोरों पर नकेल कसते हुए पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारा, जहां पर उन्होंने सरकारी टैग लगी बोरियां बरामद की। अब सवाल यह है कि पुलिस कब तक इन कालाबाजारी करते हैं राशन की, उन पर शिकंजा कसने में कामयाब हो पाती है। कल जसपुर पुलिस द्वारा 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अनाज है, कुछ गेहूं है और कुछ चावल है, करीब 103 कट्टे हैं, ऐसे 50 क्विंटल से ज़्यादा माल है, जिसको यहाँ के जो ये गल्ला विक्रेता है, जो सस्ता गल्ला विक्रेता है, ये अपने जो बीच के मीडिएटर से उनके द्वारा ऊँचे दाम पर बेच रहे थे, उनको मौके से गिरफ्तार किया गया है। और जसपुर से इस वक्त हमारे साथ आलम रजा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलम, जिस तरीके से पुलिस ने राशन की कालाबाजारी करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश किया है, पुलिस की छानबीन में से अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उससे जो पूछताछ की गई है उसमें से क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आ पाया है? जी मैं बता दूं, ये जसपुर में एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार राशन की सरकारी सस्ता गल्ले की कालाबाजारी के मामले सामने उजागर होते रहे हैं। इससे पहले अभी 2 माह पूर्व भी जो है सरकार पुलिस द्वारा इस मामले को पकड़ा गया था और उसको भी जेल भेजा गया था। एक इससे बड़ा मामला इस बार सामने आया है, 103 गट्टे सरकारी राशन के जो पुलिस की मुस्तैदी से बरामद हुए हैं, एक बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं। ये पूरा गैंग है जिस पूरे काम को अंजाम दे रहा है, जो गरीबों का जो अनाज है, जो गरीबों का निवाला है, वो अमीरों हलक तक पहुंचाया जा रहा है और खुद को चमकाया जा रहा है। उसके लिए पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा मामला सामने आया। साथ साथ जो एक बात सामने आई है, एक बहुत बड़ी बात है कि पुलिस की छापेमारी में जो है 260 उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के सरकारी टैग लगे बोरे बरामद हुए हैं। वो कहीं ना कहीं तस्करी की ओर इशारा कर रहे हैं कि उत्तराखंड से इस राशन की कालाबाजारी की जो है अन्य प्रदेशों में तस्करी की जाती थी या कहीं उधर से लाकर यहाँ तस्करी की जाती थी, ये एक बड़ा इशारा कर रहे हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, हालांकि अभी मैं अभी इसको बताया जा रहा वो फरार है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, ये अभी तक 3 जो पकड़े गए हैं ये सिर्फ एक छोटी मछली आए गिरोह की, सिर्फ काम करने वाले हैं। जो बड़े लोग हैं, जो इसके मुख्य लोग हैं, वो अभी भी इस गिरोह से फरार हैं। उन लोगों तक पुलिस कब तक पहुंचती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी आलम, हालांकि देखा जाता है कि जो सरकार है वो राशन डीलर्स को सस्ते दामों पर राशन बेचती है, लेकिन जो बिचौलिए होते हैं वो यहाँ पर धांधली करते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं जरूरत नहीं कि जो बिचौलिए हैं उन पर सरकार नकेल कसे? बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है। जब तक इन बिचौलियों पर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक इस राशन की कालाबाजारी नहीं रुक सकती, लेकिन सबसे बड़े जो दोषी है वो राशन डीलर बताए जा रहे हैं। राशन डीलर भी इसमें कम दोषी नहीं है बताए जा रहे हैं। जो लोगों तक, जो उनकी जिम्मेदारी है गरीबों तक उनका अनाज पहुंचाना, उनका हक मारकर वो बिचौलियों को भेज दिया करते हैं। जहां खुद भी मालामाल होते हैं वहीं इन राशन की कालाबाजारी करने वालों को भी मालामाल कर रहे हैं। सरकार को देखना है, अधिकारियों को देखना है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सारा गैंग एक पूरा अधिकारियों की मिली भगत से चलता नजर आता है। कहीं ना कहीं इसमें जो गोदाम इंचार्ज हैं वो लोग भी इसमें शामिल हैं। अभी एक आरोपी ने बताया, जिसके लिए सुभाष नाम का एक आरोपी है, इसमें गोदाम इंचार्ज है, सहायक विपणन अधिकारी है, वो भी इसमें संलिप्तता संदिग्ध नजर आ रहा है। वो उसने ही शाम को 22 कट्टे भरवाए थे, एक आरोपी ने खुद कबूल किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी जो है साथ इसमें सवालिया निशान खड़े होते हैं कि उनकी भूमिका भी संदिग्धता के दायरे में आती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलम रजा तमाम जानकारी के लिए। वीपी त्रिवेदी खाद्य विभाग के अधिकारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। राशन की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों को आपने गिरफ्तार किया है, अब तक जो उनसे पूछताछ की गई है उसमें से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, उसमें से जो 3 अभियुक्त है वो तो जेल में है, उन्होंने जिस अभियुक्त का नाम दिया है वो अभी फरार चल रहा है जी। उसके लिए पुलिस दबिश दे रही है, जब वो गिरफ्तार हो जाएगा सही स्थिति सामने आ जाएगी जी। इसकी हकीकत क्या है? नहीं त्रिवेदी जी, लेकिन यहाँ पर सवाल बार बार यह उठ रहा है कि राशन की कालाबाजारी करने का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले निकलकर सामने आते रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है? क्या सिस्टम इन पर नकेल कस पाने में नाकाम साबित हो रहा है? देखिए, इससे पहले 2 साल पहले एक केस आया था, उसमें भी 3/7 में हमने एफआईआर करी थी जी। और उसके बाद ये दूसरा केस है और इस केस में भी हमने एफआईआर कर दी है 4 लोगों की जी। जो भी
गलत करेगा उसके खिलाफ हम हमेशा ही 3/7 में क्या है जरूर करेंगे। क्या कहीं ना कहीं जो निचले अधिकारी हैं उनकी भी मिलीभगत की इसमें आशंका है? देखिए, अगर कोई भी इसमें मिला होगा, हमने उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है, उच्च अधिकारी मौके पे आ रहे हैं, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, यदि वो विभागीय कर्मचारी भी है, तो उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीपी त्रिवेदी जी हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन जरूर दे रहा है। दयानंद सरस्वती SDM जसपुर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राशन की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कौन है ये आरोपी? देखिए, हम लोगों को शिकायत आई थी कुछ दिन पहले कि इस तरह से एक्टिविटी चल गई, जिसके तहत हमने पुलिस को भी निर्देश दिए, तो पुलिस ने भी काफी अच्छे से काम किया, और हम लोग आगे भी लोगों को आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं, और इनकी स्टोर हाउस को भी हम लोगों ने चेक किया है, तो इस तरह की जो भी अनियमितता पाई गई है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दयानंद जी, बैक टू बैक ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे? क्यों इन तमाम जो राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं इन आरोपियों पर नकेल नहीं कस पा रही? नहीं, किया हुआ है, हमने टाइम टाइम कार्रवाई की हुई है, और ये जो एक्टिविटीज हमारी उसी का नतीजा है कि इस तरह से चीजें पकड़ी गई हैं, और अब इसको पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। और हम लोगों ने काफी हम लोगों ने ये भी प्लान किया कि हर राशन कार्ड हम लोग चेक की शॉप जो उसको भी हम लोग निरीक्षण करने वाले हैं, और उसको भी चेक किया जा रहा है कि कहीं वहाँ भी शॉपकीपर की भी अनियमितता है, वो भी पकड़ में आएंगी। दयानंद जी, क्योंकि जो राशन डीलर हैं उन्हें सरकार सस्ते दामों में राशन देती है, लेकिन बिचौलियों की मिलीभगत के चलते वही राशन जनता को महंगे दामों में खरीदना पड़ता है, तो क्या जरूरत नहीं कि जो बिचौलिए हैं उन पर कार्रवाई की जाए? उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है, सब बिचौलिए पकड़े गए हैं, और भी हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा जांच की जा रही है, जैसे पूरी होगी तो उसमें आप लोग को फिर इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दयानंद सरस्वती जी हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए। तो बिचौलियों पर यहाँ पर कार्रवाई करनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगातार राशन की कालाबाजारी हो रही है, सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है, जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि बैक टू बैक मामले राशन की कालाबाजारी के लगातार निकलकर सामने क्यों आ रहे हैं, अगर पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। सवाल बहुत है, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन भी वक्त के साथ साथ बार बार दिया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राशन की कालाबाजारी का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन इस बीच पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भले ही सवालों के घेरे में है, लेकिन इस बीच पुलिस ने 3 आरोपियों को जरूर गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में और भी बड़े कोई खुलासे जरूर हो सकते हैं। और अब बात करेंगे उत्तराखंड स्पेशल की तीसरी और आखिरी बड़ी खबर का। क्रिसमस और न्यू ईयर पर हुड़दंग मचाने वालों पर कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। दरअसल कई रिजॉर्ट्स और पर्यटक साइलेंस जोन का उल्लंघन करते हैं, जिसके चलते जंगली जानवरों को दिक्कतें होती हैं। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने साफ कर दिया है कि रिजॉर्ट्स को साइलेंस जोन के नियमों का पालन करने के साथ साथ शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो यहाँ पे 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का पर्यटक का सीज़न रहता है, और रामनगर में कॉर्बेट की वजह से यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं, इसी को देखते हुए यहाँ पे होटल व्यवसायियों के साथ एक बैठक कर ली गई है, और इसमें होटल व्यवसायियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी होटल व्यवसायी साइलेंस जोन का पूर्णतः पालन करेंगे, साथ ही जो आबकारी के नियम हैं इनके तहत ही लाइसेंस लेने के उपरांत ही मदिरा का सेवन अपने जो गेस्ट आएंगे इनको करवाएंगे। और रामनगर से हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, न्यू ईयर और क्रिसमस का वक्त बेहद नजदीक है, और ऐसे में आमतौर पर देखा गया है कि जो कॉर्बेट पार्क घूमने आते हैं तमाम सैलानी, वो यहाँ पर हुड़दंग मचाते हैं, और ऐसे में जो तमाम वन्य जीव हैं उन्हें दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब की बार ऐसा ना हो, प्रशासन की तरफ से, कॉर्बेट प्रशासन की तरफ से क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? हाँ देखिए मुकुल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें जिस तरह से, क्योंकि ये पूरा रिजर्व
फॉरेस्ट है और टाइगर रिजर्व के नाम से ये प्रसिद्ध है और सर्वाधिक टाइगर और हाथी यहाँ पर हैं। तो ऐसे में जो है वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीमें बनाकर एक जो साइलेंस जोन की टीम यहाँ पर बनाई गई है जिसमें खुद उप जिलाधिकारी उसमें अध्यक्ष हैं और ऐसी परिस्थिति में क्योंकि पिछले साल भी बेहद प्रयास किए गए थे और इस बार भी जो है प्रशासन ने और इस टीम ने पहले से प्रयास शुरू कर दिया है कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा उल्लंघन ना हो जिससे वन्य जीवों को कोई नुकसान हो और जो साइलेंट जोन है उसका उल्लंघन हो या कहीं पर कोई भी अधिक शोरगुल या अधिक डेसीबेल का कोई भी ध्वनि यहाँ पर ना हो, इसके लिए जो है लगातार टीमें गश्त कर रही हैं और दिशा निर्देश सबको दे दिए गए हैं और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो आसिफ, क्या उम्मीद की जाए कि जिस तरीके से प्रशासन ने अब की बार कड़ा रुख अख्तियार किया है तो कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, क्योंकि योजना तो हर बार बनाई जाती है, पिछले सालों में भी देखा गया था कि योजना जरूर बनाई गई थी लेकिन हुआ भी फिर वही। देखिए, इस बार जिस तरह का जो है प्रशासन ने अपने रुख सख्त रुख अख्तियार किया है तो उससे जो है स्पष्ट लग रहा है और पूरी जो है उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है क्योंकि होटल व्यवसायियों ने भी पूरा सहयोग देने का इस बार वादा किया है कि कहीं पर भी कोई भी अपने स्तर से वो कोई उल्लंघन नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल तमाम जानकारी के लिए। तो नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर कॉर्बेट पार्क के प्रशासन ने दिया है। दरअसल जब भी न्यू ईयर और क्रिसमस का वक्त नज़दीक होता है ऐसे में बड़ी संख्या में सैलानी जो हैं वो कॉर्बेट पार्क का रुख करते हैं और न्यू ईयर और क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है और ऐसे में जो तमाम वहाँ पर होटल मौजूद हैं वहाँ पर हुड़दंग मचाया जाता है जिसके चलते जंगली जानवरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परितोष वर्मा SDM इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परितोष जी, स्वागत है आपका TV100 में। न्यू ईयर और क्रिसमस का वक्त नज़दीक है, ऐसे में जो पर्यटक हुड़दंग मचाते हैं या फिर यूं कहें जो रिजॉर्ट्स और होटल के अंदर जिस तरीके से अश्लील चीज़ें होती हैं उन पर नकेल कसने के लिए अब की बार कॉर्पोरेट प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ये हर वर्ष देखने में आता है कि कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साथ मिलके जो हमारी एक साइलेंट जोन की कमेटी बनी है इसमें एक होटल एसोसिएशन के साथ एक बैठक करी है और होटल एसोसिएशन और इनके कारोबारियों को होटल कारोबारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश कर दे दिया गया है कि जो भी साइलेंट जोन के जीओ हैं इनका पालन करेंगे और इनका अगर उल्लंघन करते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लग जाएगी। परितोष जी, यहाँ पर एक सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है कि शराब परोसी जाती है होटल्स और रिजॉर्ट्स के अंदर, इस पर लगाम लगाने के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए आपकी बार? आबकारी विभाग को भी इस बैठक में बुलाया गया था और आबकारी विभाग ने स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया है कि जिस किसी के भी रिजॉर्ट के पास लाइसेंस नहीं होगा और बिना लाइसेंस के वो शराब पिलाएगा तो उसके खिलाफ बहुत बहुत शुक्रिया परितोष वर्मा जी हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए। तो पूरी तरीके से अब की बार प्रशासन ने सही ढंग से तैयारियों का दावा किया है। न्यू ईयर और क्रिसमस के मौके पर बड़ी तादाद में सैलानी कॉर्बेट पार्क का रुख करते हैं और हुड़दंग मचाते हैं और इन्हीं हुड़दंगियों पर नकेल कसने की तैयारी अब की बार कॉर्बेट प्रशासन के साथ साथ प्रशासन ने भी कर ली है। और अब रुख अगली खबर का। उत्तराखंड सरकार ने ट्रांसफर एक्ट लागू कर दिया है। अब सवाल है कि क्या यह ट्रांसफर एक्ट राज्य कर्मचारियों के हित में है? क्या ट्रांसफर एक्ट लागू होने पर ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली का खेल खत्म हो पाएगा? इस रिपोर्ट में